भारत माता की वंदे वंदे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। संपूर्ण देश में सेवा साधना राष्ट्र जागरण के अभियान में संलग्न ऐसे परम पूज्य वंदनीय श्रद्धेय सभी तपस्वी संत गणों का हम सबको यहाँ पर सहज दर्शन लाभ के साथ में आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय संत महासभा उसके राष्ट्रीय परम अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी जो बहुत ही भावना बहुत प्रेम बहुत शुभकामना हमको हमेशा प्राप्त होता है। संघर्ष में भी जब हम जुटे हुए थे आपने जितना अधिकतम जो कर सकते थे क्योंकि संवेदनाओं को भावनाओं को और हमारी अंतर की जो स्थिति है उसको शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है। अधिकतम महाराज श्री ने उस समय पर सर्वविध साथ दिया, साथ में सभी पूज्य संतगण क्योंकि अधिकांशतः पूज्य संत यहाँ पर जो विराजमान हैं वो सभी राष्ट्रीय संत महासभा के किसी न किसी रूप में आप जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत वंदन करता हूँ, इस पतंजलि योगपीठ परिवार में अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अच्छा लगा क्योंकि वो श्रद्धेय हमारे परम पूज्य स्वामी जी साक्षी जी महाराज, सच बात है पूज्य संतों को भी नहीं पता कि वो आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी से बस दो मिनट दर्शन की अपेक्षा से श्रद्धेय स्वामी जी आए थे। मैंने कहा बाबाओं में बाबा अच्छे लगते हैं, ये तो अच्छा हुआ कि संतों के बीच में एक संत सांसद भी आए और आशीर्वाद की यह कड़ी और दिव्य और भव्य हो गई। तो पता भी नहीं चल रहा है कि वह श्रद्धेय स्वामी चक्रपाणी जी की ओर से ही आए, ऐसा लगता है अभी तो। तो बहुत साक्षी जी महाराज जैसे भी आप, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इन संतों की जो अदाएँ होती हैं, जो सोच है बहुत निराली होती है, जो देश और संस्कृति के लिए जीते हैं उनकी गहराइयों की थाह पाना बहुत मुश्किल होता है। साक्षी जी महाराज ने कहा कि पहले मैं, ये बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी सभा में और इतना बड़ा संसद में आपको देश का अपने क्षेत्र का नेतृत्व करना है। श्रद्धेय स्वामी जी जब यह कहते हैं कि पहले मैं भारत स्वाभिमान का हूँ इसके बाद में और किसी का हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप सोच लेना कि एक संत संसद में आवाज़ उठाएगा, हमारी आवाज़ मंद और धीमी नहीं पड़नी चाहिए। हम जहाँ भी हैं हम देश के कल्याण के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, ये अपने गांठ में अपने हृदय में आप लोग बिल्कुल बांध करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक भाई आपने देखा होगा, मुझे तो वो भी फक्कड़ टाइप ही लगते हैं, भाई सांपला जी होशियारपुर से, ये भी विजय जी उन्होंने कहा बाबा जी ने मेरी विजय करा दी, मेरा काम तो मेरे को चाहिए था श्रद्धेय स्वामी जी ने दे दिया, अब तो ये बताओ स्वामी जी मुझे क्या करना है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। वो भी हमारे माननीय सांसद बने हैं, उनको भी संतों के साथ में उनको भी आशीर्वाद मिला सभी संतों का। इसी तरह से सैकड़ों सैकड़ों सांसद जो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अनन्य निष्ठा और अनन्य भाव रखने वाले आज इस देश के संसद में पहुँचे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ श्रद्धेय स्वामी जी का अपना कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति किसकी भावना है तो निश्चित रूप से वह स्वामी जी की ओर नहीं, वह माँ भारती के लिए है, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के लिए है। क्योंकि सभी हम सभी भी श्रद्धेय स्वामी जी के अंतर में कहीं माँ भारती का वह दिव्य रूप देख पाते हैं, कहीं शहीदों और वीरों और महापुरुषों का वह रूप देख पाते हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही परम
श्रद्धा के केंद्र हैं श्रद्धेय स्वामी जी। हम इसी तरह से हमें अच्छा लगता है कि श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, जो श्रद्धेय स्वामी जी की सोच है, जब लोगों को समझ में बात आने लगती है तो हमें प्रसन्नता होती है। बात बहुत है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भारत स्वाभिमान के लाखों लाखों कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन दिन रात एक करके, रात दिन करके, क्योंकि हमने देखा है जो किसी की चाहना से जो काम करते हैं वह उतना काम करते हैं, जिनकी कामना यह हो कि बस हमें राष्ट्र के लिए जीना है, माँ भारती के लिए कुछ करना है, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ करना है, श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न को पूरा करना है, इसलिए काम करना है, इस भाव से लगे हुए लाखों लाखों कार्यकर्ता भाई बहनों ने इस व्यवस्था परिवर्तन के महान कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें वह कम है। उन सबको मैं तहे दिल से, हृदय से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी वो दिव्य भावना और ऊर्जा और शक्ति के साथ हम देश को बनाने के कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। देश के करोड़ों भाई बहन जो निस्वार्थ भाव से इस अभियान को पूर्ण करने के लिए लगे, उन सब की ओर भी हम बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आप सब याद रखना, जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि जो है योग के द्वारा बीमारी ठीक होती है, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। 10 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी नहीं है, 15 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा तब कोई नहीं ये जानता था कि योग से इतनी बीमारियां भी दूर होती हैं। लोगों ने कहा कि जो कहते हैं मेरी बीमारियां ठीक हो गई, वो लोग स्वामी जी के खड़े किए हुए उनके चेले लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। परंतु थोड़े से समय में लोगों को पता चला कि बाबा जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। योग के द्वारा असाध्य रोगों का निदान, असाध्य रोगों की चिकित्सा संभव है, यह पहली घोषणा श्रद्धेय स्वामी जी ने इस दुनिया में की। तब कौन जानता था कि योग आयुर्वेद घर घर में पहुंचेगा, योग आयुर्वेद देश के कोने कोने में नहीं अपितु पूरे विश्व में पहुंचेगा। आज पूरे विश्व में यदि योग पहुंचा तो श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ और प्रयत्न से पहुंचा, और आज दुनिया को पता चलता है कि बाबा 15 साल पहले जो कह रहा था वो सही कह रहा था। मुझे स्मरण है जब श्रद्धेय स्वामी जी ने पहली बार काला धन की बात यहाँ से इस मंच से घोषणा की कि देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा भाग काला धन का है, विदेशों में बहुत काला धन देश का जमा है, वो देश में आए तो देश की गरीबी, बेरोजगारी और अभाव हम सबको ठीक करके महंगाई और गरीबी को यहाँ से मिटा सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि बाबा तो ऐसी ही बात करता है, कौन सोच सकता था कि कभी काला धन का मुद्दा एक आंदोलन का रूप लेगा। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी लगे रहे, उन्होंने एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पर उसको आंदोलन का रूप दिया। रूप देने के बाद में आप जानते हैं कि हमने तो उनसे काला धन मांगा था, पर उन काले धन वालों ने कहा कि बाबा काले धन की बात करता है तो बाबा को ही मिटा दो, ना बाबा बचेगा ना काला धन की कोई बात करेगा। परंतु परमात्मा की कृपा, करोड़ों देशवासियों की शुभकामना कि उससे बाबा का वह कुल बाल भी बांका न कर सके। पर आप जानते हैं किन किन संघर्षों से, किन विपद परिस्थितियों से हम चलते हुए हमने उस अभियान को श्रद्धेय स्वामी जी ने जीवित रखा, लगे रहे और अपने करोड़ों जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल को एक क्षण के लिए भी नहीं टूटने दिया। ऐसा कोई महापुरुष ही कर सकता है, पूरे जी जान से जुटे रहे। और मैं भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ, पूज्य संतों के साथ, मैं पूरे देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े वीर और शहीद पुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, पर मुझे मेरी जो अल्प
अल्प जो मेरा ज्ञान है, जो मैं थोड़ा सा जानता हूँ, उसमें मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि कोई इतनी बड़ी संस्था चलाता हो और फिर संस्था चलाते हुए व्यवस्था के विरुद्ध विगुल भुगता हो। ये बहुत कठिन काम है।